इस सफ़र की शुरुआत होती है जब 27 अनजाने लोग रोहतक के एक छोटे से शहर से निकलते हैं, एक दूसरे को जानने पहचानने और समझने के लिए। और पूरी यात्रा के दौरान और पूरे 3 दिन के सफ़र में एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं और पूरा फुल एंजॉय करते हैं। आइए उस पूरी यात्रा का वर्णन करते हैं, कैसे हमने अपने बिताए नैनीताल के 3 दिन। यात्रा का पहला पड़ाव सीव ढाबा पे होता है, उसके बाद हाँ तो नमस्कार साथियों, जैसा कि हम आपको बता दें कि अब हम गंतव्य से कुछ ही पलों की दूरी पर हैं, और सांसें थाम लीजिए और स्वेटर निकाल लीजिए क्योंकि गंतव्य का तापमान नॉर्मल तापमान से भी कम है। तो हाँ तो आज जैसा कि आपको पता है हम आ चुके हैं द फर्स्ट हॉल्ट रिजॉर्ट कार्बेट नेशनल पार्क में उत्तराखंड में, और ये मेरे साथ में प्लान है और हम एक ऐसे लोगों से पता कर रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान कैसा लग रहा है आपको, और हमारे कुणाल साहब जो हमको लेकर कुणाल साहब कैसा फील हो रहा है आपको? बढ़िया बढ़िया, चलिए आगे और भी लोगों से बात कराते रहेंगे। तो यहाँ इतने लोग आए हुए कैसा फील कर रहे हो आप? आप सब जानते हैं हम उत्तराखंड और हम इस रिजॉर्ट में रुके हैं, उस रिजॉर्ट का नाम है द फर्स्ट फोर्ट। आइए आगे आपको रूम के दर्शन करवाते हैं। और रूम के दर्शन के साथ साथ यहाँ पे जंगल के भी दर्शन कराएंगे अभी, क्योंकि जंगल में हम मंगल मना आज करने आए हैं। और आपको दिखाते हैं ये 1105 और ये अपना समय 1104। ये अभी को एक कार्ड मिला है, इसमें 1104 अपना रूम नंबर है। आइए अपना चेक करते हैं। तो ये रहा अपना रूम है जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चाबी तो नहीं खुलेगा, ये एक यहाँ पे डिजिटल कार्ड है जिसको आप शो करते ही हमारा रूम खुल जाएगा। वाह, क्या डिजिटल तरीके से इसको अनलॉक किया गया है। अब हम आगे देखते हैं रूम की कैसा रूम है। तो अब आप देखिए यहाँ पे जैसा कि तन्नम शान ने पहले अब गृह में प्रवेश हो गया है, अब हम यहाँ पे देखिए क्या शानदार से रूम की डिजाइन की गई है। रूम की भी डिजाइन यहाँ पे हमारे पड़ोसी है, अब पड़ोसी है बगल वाले रूम में हमारे योगेश देश के लोग आ गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे काफी शानदार रूप से डिजाइन की गई है। और ये बाथरूम का दर्शन कराता हूँ। वाह, बाथरूम का भी शानदार डिजाइन की गई है। अंदर रात को इसलिए प्रशांत मिश्र यही सोएंगे रात को, और यहाँ पे हमारा रात का विश्राम होगा। सुबह में क्या होगा जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट हॉल्ट रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं, और यहाँ हम आपको बाहरी व्यू देना चाह रहे हैं इस पूरी धरती का। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ गाना बजाने का कार्यक्रम है, वहाँ हमारे कलाकार भाई लोग अपना कलाकारिता को प्रदर्शित कर रहे हैं अपने अंदर की चीजों को। और यहाँ हमारे प्रनिशान, और इनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। ये काफी अच्छे सिंगर हैं, एक बार ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार प्रनिशान, और यहाँ पे और भी लोग हैं जैसे हमारे राजीव शान है, और यहाँ हमारे सबसे सीनियर पर्सन सर। सर कैसा फील कर रहे हो सर आप यहाँ पे आके, कैसा फील कर रहे हो सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। तन्नम शान से मिलते हैं, तन्नम शान को अभी बहुत ठंडक लग रही है तो उनको अभी अलाव की जरूरत है। अब हम चलते हैं डीजे साउंड सिस्टम की तरफ, जहाँ हम सब अपने दिल की भड़ास को निकालेंगे। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जिस मंजिल तक पहुँचने के लिए निकले थे अब वो मंजिल आ गई है। आओ मिलके आज की रात को सुहानी बनाएं। तो आओ मिलकर खुशियां मनाएं, प्रेम का टीका माथे पर लगाएं। दूरियां जो हुई बहुत हैं आजकल, आओ दिल से दिल को मिलाकर दूरियों को मिटाएं। आओ मिलकर खुशियां मनाएं। पल्ली की बिछाऊं तुमको बुलाऊं।
जैसा कि आप सब जानते हैं, हम रोहतक की गलियों से उत्तराखंड की वादियों में आ चुके हैं, और हर रात के बाद जो सवेरा होता है, हर झूठ के बाद जो सच्चाई होती है, हर आज तक के बाद कल तक होता है, आज हमको आपको दिखाएंगे अब ग्रीन। जैसा कि हम आपको बता दें, अब हम आपको दिखाने वाले हैं प्रकृति का सुनहरा रूप, क्योंकि जिस रिजॉर्ट में हम रुके हैं, इस रिजॉर्ट का नाम है द फर्स्ट हार्ट, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा है। और अब हम आपको प्रकृति का वह सुनहरा रूप दिखाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड, हम उत्तराखंड में हैं, और उत्तराखंड देवों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ पे कई ऋषियों ने तपस्या की है, यहाँ सूरज की लालिमा कड़कती है, तो यहाँ सवेरा होता है, सूरज की लालिमा ऐसे कड़कती है। ये प्रकृति का एक सुनहरा रूप हमको देखने को मिलता है, और आज सुबह का जो सवेरा हुआ है, ये एक बहुत ही शानदार सवेरा बोल सकते हैं, क्योंकि आज हम आपको ये दिखा रहे हैं कितने शानदार प्रकृति का एक सुनहरा रूप, जहाँ पे हरी भरी वादियाँ, पक्षी, पेड़ पौधे, और हमको यहाँ पे एक सुनहरा सा अवसर मिला है आने का, और यहाँ पे सूरज की लालिमा कड़क रही है। ये सूरज की लालिमा ऐसे है, जब ये सूरज की प्रथम किरण हमारे इस पृथ्वी पे पड़ती है, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं किसी ने अवतार ले लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं आगे क्या ग्रीन, यानी कि अगर हम बात करें कि प्रकृति का एक सुनहरा रूप अगर हमको कहीं देखना है, तो उसके लिए हमको उत्तराखंड आना पड़ेगा। और ये जो फर्स्ट हार्ट रिजॉर्ट में जहां हम ठहरे हुए हैं, यहां पे प्रकृति का एक सुनहरा रूप ही पाया जा रहा है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और हमारा जल, सभी का मिश्रण यहां पे पाया। हम आपको बता चुके थे, हम रोहतक की गलियों से निकल करके उत्तराखंड की इस वादियों में आ चुके हैं, और उत्तराखंड प्रकृति, यहाँ पे प्रकृति ने एक ऐसा रूप दिखा रखा है, प्रकृति का एक सुनहरा सा रूप देखने को मिल रहा है। क्या शानदार सा नज़ारा है, इसको ध्यान से हम देखें अगर हम, क्या शानदार व्यू है भाई। अब हम आपको आगे दिखाएंगे कि वहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे स्नान के लिए, अब जिसको स्विमिंग पूल में स्नान करना हो वो कर सकता है। और यहाँ पे हम आपको आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हम लोगों ने अभी अपनी एक नाइट गुजारी हुई है, और यहाँ पे हमारे आगे दो और हमारे जानने वाले लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी आते ही अपना सारा चीज स्टार्ट कर दिया है। अभी उन्होंने शायद बस मंजन नहीं किया है, बट खेलने आ गए, तो आइए उनसे पहले बात करते हैं एक बार क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे जिम कर रहे हैं सर। अब हम इधर बढ़ते हैं आगे और भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे ये अभिषेक स्थान है, क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ था, तो इसके लिए रात भर सोए नहीं, तो अभी सुबह में आकर के इन्होंने टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया। रोशन शान हमारे हैं, तो सर कैसा फील कर रहे हो? बहुत बढ़िया फील कर रहे हो। चलिए ऐसे ही मिलते रहेंगे, और आगे की भी खबरों को दिखाएंगे, आगे की भी आपको रोमांचक चीज़ें दिखाएंगे। HS है यहाँ, जल्दी ही HS का गेम होगा, और जीतने वाले को तो बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, और वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, उसको बताया नहीं जा सकता। और अब हम अन गलियों से निकल करके हम उत्तराखंड की वादियों में आ गए हैं। उत्तराखंड वो जगह जहाँ पर प्रकृति अपना स्वयं का सुनहरा रूप, यानी अपना खुद का रूप दिखाती है। तो अब आगे हम दिखाएं। रसोड़े में कौन था? मैं था। क्या हुआ? सीटी बज गई, वो कुकर था पर खाली, गैस पे चढ़ा दिया। क्या इस गांव में सही में चुड़ैल का साया है? चलिए तो उसके बारे में इनसे बात करते हैं। तो जी सर बताइए, क्या आपके गांव में चुड़ैल का साया है? आप तो सिर्फ छम 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 सुनते, हम तो रात में गाना भी सुनते हैं, आम ये तुम्हार। अरे सर आप गाना भी सुनते, कैसे रहते हैं सर गांव में आप? हम आपको एक बार का इंसिडेंट बता रहे हैं। हम खाली रास्ते से जा रहे थे, अचानक हमारी धोती खींच के कोई ले गया, हमें लगता है कि वो ना हो वो चुड़ैल थी। आपको चुड़ैल के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया।
अभी जिंदा हूँ तो जी ले ले दो, जी ले ले दो, परिवार साथ में पी लेने दो। कहाँ जा रही हो तुम किरण? मैं अकेला रह जाऊंगा तुम्हारे बिना किरण। एक बार किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में जुड़ जाती है। तुमने मुझे आज मेरी शांति से मिलाया। छोड़ दो, परो ने कहा शराब छोड़ दो, अब तुम कह रहे हो हवेली छोड़ दो, अभी एक जिंदगी दुनिया छोड़ दे। को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बढ़िया किरण, अबे पूरा जियो ना तुम, टुकड़े का तो यही है, बड़े बैठ यही है ना। 1, 2, 3, 4, 5 क्या कोई है जो इनको मुकाबला दे सके? हम हैं। ये है तन्यम। 1, 2, 3, 4, 5 बहुत बढ़िया है, पूरा मुकाबला दिया है टक्कर का। अगला खिलाड़ी पहलवान कुणाल। 1, 2, 3, 4, 5 अब हमारा मेन टास्क है कि हमको कम से कम यहाँ से 1 करोड़ का पैकेज लेके निकलना है। वो तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे इतने सही ख्वाब दिखाए हैं कॉलेज ने, एडमिशन हो गया, प्राइवेट कॉलेज एडमिशन हो गया, ठीक है लड़की मिल जाएगी तो नौकरी मिल जाएगी तो शादी कर लेंगे, सब सेट है भाई जिंदगी। और नौकरी करने वाली लड़की मिल जाएगी, घर भी मिल जाएगा, सैलरी भी साथ में मिलेगी, अपना आराम से घास काट रहा हूं। ये मेरे छोटे भाई, इन्होंने भी ऐसे किया भैया, बहुत बढ़िया है। हम बाहर गेट पे बैठते हैं, चौकीदारी का काम करते हैं। कोकिला का किला, और ये सुहाने मौसम में हम पहुंच चुके हैं जिम कॉर्बेट द फर्स्ट होल्ड रिजोर्ट, और आज हम देखेंगे इस रिजोर्ट की खासियत। हमारे बीच है रिजोर्ट के ओनर मिस्टर सोमेश कुमार, चलिए इनसे जानते हैं इस रिजोर्ट की खासियत। हाँ जी सर, वेलकम। क्या हाल है सर आपके? आई एम वेरी गुड। आपको प्रॉपर्टी अच्छी लगी? वेरी गुड। आपको प्रॉपर्टी में कुछ यूनिक दिखा अभी तक? वी आर स्टिल फाइंडिंग। आपको मैं दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी की यूनिकनेस। चलिए आइए। हमने एक इनोवेटिव तरीके का कूड़े का डब्बा बनाया है। दैट्स ग्रेट। हमारे यहाँ पे वेट गार्बेज ड्राई गार्बेज को अलग करना होता है, पर उसके अलावा हमारे यहाँ के लोग कूड़े का डब्बा यूज करते हैं सुट्टा मारने के लिए भी। तो स्मोकिंग के लिए हमने क्या किया, ऊपर एक ढक्कन करके यहाँ पे हमने एश ट्रे भी डाल दी है। तो एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट, इसमें आप एश ट्रे करिए। कैमरा मैन से गुजारी से थोड़ा पास आएंगे, दिखाएंगे। आप देखोगे तो उसमें से सुट्टे का धुआं भी निकल रहा है पुराने का। अभी अभी धुआं, मैं भी यहीं से सिगरेट पी के गया था। तो ये यहाँ की इनोवेशन। थैंक यू गाइस, माय नेम इज विवेक कुमार मिश्रा, दिस इज फर्स्ट हॉट एंड दीज आर माई कलीग्स। हेलो साईसन। हेलो, अंदरिकी నమస్కారం। వాట్ ఇస్ యువర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇన్ ఫస్ట్ హార్ట్? చాలా బాగుంది. హలో హరిదాస్ సార్, వేర్ లెవెల్, వెరీ తనో, సూపర్. మై పాల్ సార్, వెరీ ఫన్నీ ట్రిప్. బడియా. ఆప్ బతా సార్. ప్రణీత్ సార్, వండర్ఫుల్, లవ్లీ ఎక్స్‌పీరియన్స్, బహుత్ అచ్చా లగల్ బా. అరే వా. வணக்கம். எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா இங்கே நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. எல்லாரும் போய் சொல்கிறாங்க, சுத்தமாக எதுவுமே நல்லா இல்லை, நாங்கள் சும்மா எதுவும் பேச முடியாமல் பேசிகிட்டு இருக்கானுங்க. இதுதான் உண்மை, இதுதான் உண்மையான விலாகிங். யாரும் பாக்கி பகுத் அச்சா லகா, பகுத் என்ஜாய், எக்கம் சபி லோகோ சாத் மில்க்கு பகுத் அச்சா லகா முஸ்கோ. आप बताए राजी भाई, कम जमाई सेट कराता भाई जी है? मतलब ब्लॉगिंग शुरू की। ये देखिए, रब जाने कब गुजरा अमृत हो गया था। स्टार्ट। सावधान, कदाधार, मेहरबान, जिंदाबाद। Yeah.
मुझको उठार दे दे, एक चुम्मा तू मुझको उठार दे दे, और बदले में शूटी की हार ले ले, और बदले में शूटी की हार ले ले। मेरी छमिया तू हमें जवाब दे दे, मेरी छमिया तू हमें जवाब दे दे, और बदले में दिल्ली पंजाब ले ले, और बदले में दिल्ली पंजाब ले ले। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तराखंड की वादियों में पधार चुके हैं, आज तीसरा दिन है हमारा इस जगह पर, और आज हम निकल रहे हैं जंगल सफारी के लिए, जहाँ पर हम भगवान से दुआ करेंगे कि हमें एक शेर, एक हाथी, एक चीता और एक लकड़बग्घा देखने को मिल जाए, क्योंकि कैमरे के पीछे गेंडा तो हमें दिख ही रहा है। और ये सब लोग जंगल सफारी के लिए निकल चुके हैं, तो अब हम आपको रास्ते में मिलेंगे जंगल सफारी में। और हम सब निकल चुके हैं जंगल सफारी के लिए, आगे देखते हैं, आगे सब मिलते हैं। सर चल रहे जंगल सफारी में, क्या दुआ करते हैं, किससे मिलना है? बस जो मिले मिले, मगर वो ना मिले, तो जी हाँ दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं और ये जंगल सफारी का सफर, अब हम जंगलों के बीच में जाने वाले हैं। आगे तंदम सान बैठे हुए हैं, महिपाल सान है, टीसू सान है, और यहाँ पे राजीव सान बैठे हुए हैं। राजीव सान, ठंड का कैसा मौसम फील कर रहे हो आप? टेम्परेचर का क्या, हवा का असली ठंडक का मजा हम ले रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 5 और हम निकल चुके हैं जंगल सफारी के लिए। आगे भी अपना ही ग्रुप है, और ये जो जा रही गाड़ी, ये भी अपने लिए ये जा रही है। तो अब हम और देखते हैं, यहाँ पीछे कुणाल सान का बैच है, और हेलो, हाँ तो भाई हम सभी दे रहे हैं, और हम लोग गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाने के लिए खड़े हो चुके हैं, और यहाँ पे हम बैलेंसिंग के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पे महिपाल सान है जो कि व्हीकल को बैलेंस कर रहे हैं, और आगे मिलेंगे ऐसे ही। ये सब लोग जंगल सफारी कर रहे हैं, और अब हम आपको दिखाते हैं तन्नम सान कितने आराम से बैठे हुए हैं। तन्नम सान क्या फील कर रहे हो? यहाँ एक गाड़ी आगे निकलते हुए, तो अब क्योंकि ठंडक का जो अभाव है, वो ठंडक का अभाव बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये अब ठंडक की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि अब जो टेम्परेचर है हमारा माइंड, भाई पाल सान कुछ बताएंगे? आज बहुत ज्यादा ठंड है इसी मौसम में, मजे लेते हुए। और यहाँ और भी लोग आ रहे हैं घूमते हुए, हम निकल चुके हैं, और यहाँ पे एक जगह विश्राम आला आ चुका है, और हमारे प्रणीत सर कैसा फील कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या अभाव है? अरे अरे इधर, अब हमारा सफर थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ा है, और जमीन से यानी भूतल से काफी ऊपर, और यहाँ पहाड़ ही पहाड़, और आपको दिखा दें ये पंपापुरी है, पंपापुरी, और अब हम जमीन से काफी ऊपर आ चुके हैं, जिसका हम कभी अभाव फील ही नहीं कर सकते, हम कितना ऊपर आ चुके हैं, तो कभी भी शेरनी भी आ सकती है। और क्योंकि हमारे जो कुणाल सान है वो डर के पीछे बैठे हुए हैं, कुणाल सान डर गए, क्योंकि उनको लग रहा है टर्निंग मोमेंट में कहीं ऐसा ना हो, गाड़ी और आगे सामने से शेर आ जाए। अब हमारा सफर और आगे गन लेके बैठे हैं, इसका उद्देश्य है कि ये जो है जंगल में अगर मंगल दिखेगा तो तुरंत गोली चलाएंगे, यानी जंगल में दिखा से तो चली सीधे गोली। और अब हम और आगे की तरफ बढ़े, आपको बता दें हम जंगल में आ गए हैं, उसके बाद भाई हम सब जुड़ रहे हैं, ग्रुप आ रहेगा, जुड़े
आइए हमारे अपने चैनल के साथ, आपके अपने मित्रों के साथ। और ये जो ग्रुप चल रहा है ना, ये भाई आज सच में या तो जान या तो आज हम जान हान के खतरे से खेलते हुए, और हमारे कुणाल सान तो ऐसे डर रहे हैं, पीछे बैठे हैं। कहना ये कुणाल सान कितना डर रहे हो आप भाई, उस गाड़ी में ट्रैक करना है। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपको बता चुके थे हम जंगल के बीचों बीच में है, और ये आज हमें पूरी खोज में निकले हैं। हमारी गाड़ी के आगे लिखा है डिस्कवरी, अभी आपको दिखाएंगे। और हम उस जगह पे है ना, अगर हम यहाँ से बच के निकलते हैं तो हमारा जो नाम होगा वो इतिहास के पन्नों में तुम्हारे अक्षरों से लिखा जाएगा, तुम्हारे अक्षरों से लिखा जाएगा। एक टीम गई, उसने डिस्कवरी किया और किताब पकड़ा और बात नमस्कार। जैसा आपको बता चुके थे, अब हम कोसी नदी के तट पे हैं, यानी कौन सी नदी, कोसी नदी के तट पे हैं, जो और हमारी जो भूतल से ऊंचाई है काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। और ये जो हमारा ऊंचाई है ये कुछ यूँ है कि जमीन और आसमां, यानी कि जो हमारा पृथ्वी है भूतल है और आसमान के बीच की जो दूरी होती है ना, वो हमारी अब बराबर हो गई है। यानी जितना ऊपर से अगर उतना ऊपर जाए तो आसमान पे चले जाएंगे, और नीचे जाए तो तलमतान कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे समुंदर में, समुंदर में जाएंगे। तो अब समुंदर में लीन होंगे हम लोग, और आपको कोसी नदी के तट पे हैं हम। कोसी नदी जो काफ़ी अच्छी नदी है, और ये जो है हमारे तलमतान काफ़ी ज़्यादा फील करते हुए मज़ा, और लग रहा है अब हम लोगों को शेर या शेरनी का दर्शन होगा, क्योंकि अब जो पड़ाव है ना वो काफ़ी खतरनाक है भाई। और इतना खतरनाक पड़ाव जान जोखिम में डाल करके हम आपको अपने लिए वीडियो ला रहे हैं आपके लिए, और आप देखते रहिए, बने रहिए धड़ाके के साथ, पटाखे के साथ। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करा दें। अभी लिखा हुआ था कि बाघ क्षेत्र है, कृपया सावधान रहे, और बाघ क्षेत्र तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम सावधान भी हैं क्योंकि हम खुद हैं, हम खुद बाघ हैं, खुद लड़ेंगे बाघ से आज, क्योंकि बाघ क्षेत्र है तो सावधानियां बरतनी पड़ेगी। और यहाँ हम एकदम हिरण के सामने हैं, और ये वही हिरण है जिसने हमारे जो राम जी को पूरे वन में घुमा दिया। बाद में पता चला कि वो हिरण नहीं और जो कोई दानव है। अब हम और आगे बढ़ते हैं ऐसे, और हमारे प्रभंजन सान को ज़्यादा ही ठंडक लग रही है, और यहाँ हमारे राहुल सान बैठे हुए हैं, कैसा फील कर रहे हो सर? और यहाँ पे दोनों जंगल सफारियाँ आपस में मिलती हुई, और आपको दिखा दें यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा है, सुनहरे अक्षरों में लिखा है, यह बाघ से प्रभावित क्षेत्र है। यानी ये बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा ये पल जब हम बाघ से प्रभावित। हिरणों का झुंड है, और ये तो काफ़ी अच्छा पल है भाई, यहाँ पे हम जंगल सफारी करते हुए, और यहाँ पे हम हिरण ही हिरण देख रहे हैं, हिरण। और अब यहाँ पे मोर भी है, सामने मोर भी है। और हम चूंकि बता दें आपको जंगल के बीच में है ना, तो और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर क्रॉसिंग थ्रू एलिफेंट कॉरिडोर, बी केयरफुल। आप जो है पास कर रहे हैं इस समय एलिफेंट यानी कि हाथियों के कॉरिडोर से पास कर रहे हैं, तो बी केयरफुल रहिएगा। और अब आपको ऐसे ही हम चूंकि जंगल में हैं तो मंगल कराएंगे ही कराएंगे। अब आपको देखिए कितना मंगल कराता हूँ मैं, अब चूंकि ये जंगल का सफ़र हमारा कैसे पूरा होगा, हम कैसे पहुँचेंगे घर, ये भी बात है, क्योंकि हम जान जोखिम पर डाल करके आपके लिए ये न्यूज़ दे रहे हैं। और फास्ट आइए, कम फास्ट, जैसा कि हमारे प्रभंजन सर बुला रहे हैं। और यहाँ पे क्या है सर, दामड़िया है, सांबर डियर है, तो इसको भी देख लीजिए आप ध्यान से। ये मैं आपको बोला था ना कुछ ना तो कुछ दिखाऊंगा आपको भाई। ये भाई बाघ से प्रभावित एरिया है,
शेरों से प्रभावित एरिया है और हमारे राजस्थान जान जो कि उड़ा करके आपके यहाँ से मिट्टी निकालने जा रहे थे। अभी हमने बोला कि भाई मत जाओ नीचे, ये जो कि बाघ से प्रभावित एरिया है, हो सकता है आपके ऊपर बाघ कूद जाए, चीता कूद जाए और हम चूंकि उसको भी भोजन की तलाश होगी और राजस्थान भोजन के लिए बहुत तगड़ा अंदर चला गया, जंगल के अंदर, जंगल के अंदर चला गया भाई। अब ये बाघ से प्रभावित क्षेत्र क्या है सर? क्या है? और ये देखो भाई हिरन है, सारी हिरन है जंगल में, हिरन है साले शेर। और जंगल सफारी के बीच में, जंगल के बीच में आए हैं हम और एकदम हम जंगल के बीचों बीच चल रहे हैं। कुछ भी दिख सकता है। और यहाँ पे हमारी एक टीम, चलो आओ आगे, शेर है जैसा कि अभी बताया गया है, आगे शेर है, शेर है और आगे शेर है, नहीं आगे चलना है। सांबर डियर और वो, और ये फीमेल है भाई, ये तो हम लोग लग रहा है हम लोग ही दानव है क्या भाई? आवाज मत करो भैया। और ये सांबर डियर और आपको बता रहे थे हम कार्बेट नेशनल पार्क में आ गए हैं और ये दानागढ़ी का देसी बंदर है भाई, दौड़ा रहा है तो बच के रहना है। हम भी लोग बंदर ना कुछ दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा, आप लोग विश्वास नहीं मार रहे थे। अब हमारे तन्नम साहब ने खोज निकाला एक हाथी, हाथी हाथी मेरा साथी, हाथी मेरा साथी है। अब हम इसको हाथी है कार्बेट नेशनल पार्क और यहाँ पे ये हमारा प्रवेश द्वार और इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको जान जोखिम में डालनी पड़ेगी, जान तो हम जोखिम में डाल ही चुके हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है भाई, फट तो मेरी भी रही है। अब देखता हूँ क्योंकि सफारी से उतर चुके हैं हम नीचे और ये आपको हिरन दिखता हुआ और ये हिरन का क्षेत्र है भाई, ये आपको मैं हिरन दिखा रहा हूँ, हिरन। और मैं पीछे हमारे प्रभंजन शान से भी बोलूँगा हिरन देख लें यहाँ पे, क्योंकि ये हिरन दिख रहा है आपको। और आगे ऐसे बढ़ेंगे और भी चीज़ें दिखाते हुए, आपको पहले बता दें यह हमारा कौन सा क्षेत्र है, तो ये हमारा बाघ से प्रभावित क्षेत्र है, सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए यहाँ पे दोस्तों। और क्योंकि डिस्कवरी पे निकल चुके हैं अब हमारा बड़ा होगा वो होगा हमारा गिरजा माता टेम्पल की तरफ। ऐसा माना जाता है कि जब उत्तराखंड में प्रलय आया था, बाढ़ आई थी 2013-14 की बात, उस समय उत्तराखंड के बड़े बड़े रिजॉर्ट, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी वादियाँ बन गई, लेकिन ये गिरजा माँ की ऐसी वही अनुकंपा थी कि ये जो हमारा टेम्पल है वो, तो आपको बता दें अब हमारा जो अगला पड़ाव है वो गिरजा माँ की टेम्पल की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हमारे साथ कुणाल साहब, यहाँ तन्नम साहब और वहाँ राजू साहब और सर लोग दर्शन करके आ रहे हैं, कैसा फील कर रहे हो सर? बात करेंगे घंटी के साथ, घंटे के साथ घंटा बजाएंगे और तन्नम साहब आगे। या क्या भाई शानदार नजारा, शानदार, कुणाल साहब ने तो पाया ही घंटा, तो कुणाल साहब आप आगे चल रही, ये हमारे विवेक साहब है, कैसा फील कर रहे हो सर? बहुत बढ़िया, एक बार और जाते इधर देखो। हाँ अब यहाँ पे चूंकि ये टेम्पल में घंटा हो जा रहे हैं अब ऐसे ही, क्योंकि अब हम आपको बता दें तो बता दें जैसा कि अब हमारा प्रवेश हुआ गिरजा देवी के टेम्पल की तरफ, यानी ये मंदिर कोसी नदी के तट पे है। तो नमस्कार, जैसा कि आपको बता चुके थे हम अभी जो हमारा ये ग्रुप है वो आ चुका है उत्तराखंड में और हम उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर के जो बाकी कोसी नदी के तट पे, और ये कोसी नदी वही कोसी नदी है जो नेपाल से निकलती है और नेपाल से निकलते हुए हमारे उत्तराखंड से होते हुए जाती है। और हम इस जगह पे इसलिए आपको ये समय बता रहे हैं, ये जो
खबर आपको देने जा रहे हैं, ये काफी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, आपको शायद यकीन न होगा तो आप अपना पहले का आप गूगल पे सर्च करिएगा। 2013 में जब आपदा आई थी, यानी 2013 में जब आपदा आई थी तो उत्तराखंड में, तो यहाँ आसपास की सारी आबादी और सारे क्षेत्र रह गए थे, सब इस बाढ़ से प्रभावित हो गए थे। उस समय केवल और केवल कुछ अगर बचा हुआ था तो जैसा कि आपको हम कैमरा पर्सन तो बोले एक बार दिखा दें कि कैसे क्या क्षेत्र था। ये पूरे के पूरे जितने भी जंगल थे, जितने भी रिजॉर्ट थे, वो सब विलुप्त हो गए, यानी वो सब के सब बह गए। तो अब हम उस जगह पे खड़े हैं, उस मंदिर में पड़े हैं जो कोसी नदी के तट पे है, बसा हुआ है, और कोसी नदी के तट पे यह वह मंदिर है जो है उस समय यह मंदिर बचा हुआ था। इस मंदिर का नाम है गिरजा देवी का मंदिर, और गिरजा देवी के बारे में आपको बताने के लिए वाक्य ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि जब पूरी आपदा आई, पूरा उत्तराखंड में जब आपदा आई, ये रामनगर के सारे क्षेत्र, सारे रिजॉर्ट, जिम कॉर्बेट पार्क की तरफ पूरा बाढ़ से प्रभावित हुआ, उस समय ये गिरजा देवी का मंदिर बचा हुआ था। और गिरजा देवी को हिमालय यानी पर्वत शिखा, हिमालय की पुत्री और शिव जी की पत्नी माना जाता है। तो धन्यवाद, आगे और भी बने रहिएगा, हम आपके लिए और भी तरह की खोज करते रहेंगे और लाते रहेंगे। और हमारे साथ कैमरा पर्सन चिराग के साथ, और हमारे साथ कन्नन सामनी है, और यहाँ पे राजू सान है, अमंजन सान है, और मनीष सान है, वहाँ पे बोलूँगा मनीष सान को भी दिखा दिया जाए। मैं नदी में ही खड़ा हूँ, प्रेजेंट टाइम में हैवी में खतरा लेकर के नदी में खड़ा हूँ, नदी में खतरा लेकर भी बाढ़ आए मैं भी बह सकता हूँ, लेकिन आपके लिए न्यूज दे रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है आपको जानना। आप एक बार जरूर आइए इस माता रानी के दर्शन को दर्शन करिएगा। बहुत बहुत सौभाग्य प्राप्त हो चुकी है, हिमालय की बहुत ही जमीन से काफ़ी ऊपर बसा हुआ है मंदिर, यानी ऊपर से ऊँचाई काफ़ी ऊँचाई पे है मंदिर दिख रहा है, जैसा कि अभी दिखा दिया होगा आपने ये आप सामने, और सामने प्राचीन भैरव का भी मंदिर है, प्राचीन भैरव मंदिर है, और ऐसे ही आपसे बात की रहेंगे, आपके टाइम की रहेंगे। हाँ तो नमस्कार, जैसा कि आपको बता रहे थे हम इस समय उत्तराखंड में हैं, जो देव की भूमि के नाम से जानी जाती है, और ये भूमि जो देवताओं के लिए प्रसिद्ध है, ऋषि मुनियों के लिए प्रसिद्ध है, और ये उत्तराखंड की भूमि है, एक पावन धरती पे है। और अभी हम गिरजा देवी के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। गिरजा देवी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, जब हाँ तो हाय वेलकम गाइस, जैसा कि आपको बता दें ये हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, ये लड़का पागल है यार, इसे ये लड़का है, इनको धन्यवाद देना चाहूंगा, ये हमारे कुणाल साहब वेलकम वेलकम भाई किस लाइन में आ